मंथ यहाँ पे नेगेटिव लगता है मुझे कि अगर जैसे ही निफ्टी वापस गैप फील करता है डाउन साइड में और 11400 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है वहाँ पे एक प्रेशर जो है और एक सेलिंग प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा बिल्ड हो सकती है, तो उसके थोड़ा टाइम लगेगा। बट अभी थोड़ा साइडवेज और एक कंसोलिडेट पीरियड करके इसके बाद थोड़ा सा एक बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं बोलूँगा कि जो ट्रेडर 1 वीक और 2 वीक के टाइम होरिजन से देख रहे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक देखने मिलेगा। बट ओवरऑल 3 से 4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर आएगा मार्केट में। जैसे ही ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे 11800 11700, वहाँ पे वापस एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। तो इस रेंज में आके वहाँ पे वापस पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे एक से दो दिन 1 से वीक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है कि एक पहला 11600 के ऊपर निकलता है तो 11640 11600 700 के आसपास के लेवल्स, यहां तक निफ्टी एक बाउंस बैक कर सकती है। ऑल राइट, तो ये राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और इसके अलावा सेंसेक्स पर दी जा चुकी है। तो ये बाजार की रणनीति आपको सुझा दी गई है, लेकिन अब आपके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर, और सवाल पूछने का तरीका भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी बीच ट्विटर पर हमें सवाल मिला है निकुंज जी का, और इनका सवाल है ADAG ग्रुप के शेयरों में काफी समय से ये होल्ड कर रहे हैं और नुकसान भी इनको काफी ज्यादा हो चुका है। रिलायंस इंफ्रा ये इन्होंने 550 के लेवल्स पर लिया था, और रिलायंस कैपिटल का जो शेयर है वो इन्होंने 350 के लेवल्स पर लिया था। काफी समय से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को और भारी नुकसान इस वक्त ये उठा रहे हैं इन दोनों ही शेयरों पर। इनसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि इन्होंने ये सवाल ट्विटर पर भेजा है। मैं नाम जानना चाहेंगे कि इतना समय से क्यों होल्ड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आगे भी स्टॉक को और समय दे सकते हैं, यानी कि 2 साल और दे सकते हैं स्टॉक को। लेवल्स अगर इन्होंने जो भेजे हैं वही हम मान के चलें तो भारी नुकसान में है ये इस वक्त, और रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा इन दोनों ही शेयरों में। विकास आपकी राय क्या होगी? इनका बस एक ही सवाल है कि इस वक्त अनिल अंबानी ग्रुप जिस तरीके से कोशिश कर रहा है ग्रुप में जो कर्ज उसको कमी करने में, म्यूचुअल फंड को अच्छा लग रहा है ये, और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के रडार पर ये स्टॉक्स आ रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इस वजह से ये अभी तक बने हुए हैं इन दोनों ही शेयरों पर। आपकी राय क्या होगी क्योंकि इनके लेवल्स तो काफी पहले के और काफी ऊपरी स्तरों पर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए इन्हें इन दोनों ही शेयरों पर, और अगर यहाँ से एग्जिट कर ले तो कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इनको खरीदारी की राय देंगे? देखो पूजा, बहुत सारे क्लाइंट जो एक स्टॉप लॉस नहीं देखते और मार्केट में जो भी अपडेटेड न्यूज़ फ्लो आते हैं उसको यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना इग्नोर करते हैं। इसके अगर इनके दोनों भी स्टॉक के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे अगर इस पूरे काउंटर में एक नेगेटिव न्यूज़ बहुत दिनों से चल रहा था और एक काउंटर करेक्ट भी हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने नीचे में एवरेज किया। बट अभी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि वेट करो क्योंकि ऑलमोस्ट ये नीचे आ चुका है एक ओवरसोल्ड जोन में। अभी यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि एक कोई फ्रेश सेलर यहाँ पर आएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर बाउंस देखने मिलेगा इस काउंटर में। दोनों में काउंटर मुझे लगता है कि वापस 90-100 के आसपास अगर 1 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे तो वापस इतना बाउंस बैक हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि उनके जो बाइंग कॉस्ट है वहाँ पे सब काउंटर वापस उनको बेचने मिलेंगे, थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे बुक करना ही पड़ेगा। अगर इसके अलावा अगर देखो तो बहुत सारे बाकी के स्टॉक है जिनमें अगर आप देखो तो अभी एक अच्छा खासा एक मोमेंटम आएगा, एक जो भी अभी ये जो करेक्शन आएगा आगे जाके 6 महीने में 3 महीने में, इसमें जो लॉन्ग हैंड वाले जो स्टॉक है जैसे कि HDFC है, टाइटन है, ये जो स्ट्रांग है और एक्चुअल जैसे स्टॉक है अभी रिट्रेस हो रहे तो वहाँ पे अगर इन्होंने थोड़ा भी मौका यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो वो जो काउंटर है वो आगे के 2 से 3 साल में इनको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं कि राजा ये अनिल अंबानी के ग्रुप में। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से फटाक से एक फास्ट मोमेंटम देखने मिलेगा, बट एक थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा तो वहाँ पर एग्जिट करके जाने की मेरी राय रहेगी। तो एग्जिट कर जाइए ADAG ग्रुप स्टॉक्स में क्योंकि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम बनेगा, इसकी गुंजाइश कम है। शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकते हैं तो उस बाउंस में आप एग्जिट करने के ही मौके ढूंढे। कुछ और विकल्प अगर आपको चाहिए तो HDFC, टाइटन, HUL ये वो स्टॉक्स हैं, अगर आने वाले समय में करेक्ट होते हैं तो लोअर लेवल्स पर यानी कि गिरावट पर इन शेयरों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। HDFC लिमिटेड, टाइटन और HUL ये 3 नाम हैं जो कि विकास की ओर से आपको सुझाए गए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक हैं केशव कुमार चौधरी, उन्होंने ट्विटर हैंडल पे अपना सवाल भेजा है। 2 सवाल हैं उनके विकास। इनफैक्ट इंडिगो और बजाज फाइनेंस, इनके आप इंट्राडे चार्ट्स देख के तैयार रहिए। उनके पास 180 शेयर हैं बजाज फाइनेंस के, 3388 ये उनकी कॉस्टिंग है, और 200 शेयर उन्होंने इंडिगो के भी लिए हैं। आज 1348 रुपये का भाव है इंडिगो में। कल हमने देखा था कि जो रिकवरी है वो शुरू होती हुई दिखी थी, और आज देखिए नीचे एक लो बनाने के बाद अभी 1.5% के आसपास की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली है। काफ़ी न्यूज़ फ्लो है स्टॉक को लेकर, और बजाज फाइनेंस एक और स्टॉक है जो कि परसों बहुत अच्छा चला था लेकिन 2 दिन से अब गिरावट देखने को
मिल रही है। इंटरडे के लिहाज से बताइए, ये जो बजाज फाइनेंस का एंट्री पॉइंट है उसी लेवल के आसपास ही है, और इंडिगो 1348 रुपये ये इनका एंट्री पॉइंट है, और अभी ये आप देखिए तो इनके भाव से ऊपर ही चल रहा है। तो अब ये क्या मुनाफा बढ़ सकता है और ये मुनाफा बुक कर लें इंडिगो में? तो संदीप जी, मैंने जैसे बोला कि लॉन्ग हैंड स्टॉक जो है वहाँ पे एक प्रेशर देखने मिलेगा ये मार्केट में, जैसे कि बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस भी आप देखो तो एक अपसाइड में आप ट्रेंड स्टॉक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत इस काउंटर में मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। ये जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो भी बड़े बड़े स्टॉक है जो है अब ट्रेंड में है वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो मेरे राय से यहाँ पर बजाज फाइनेंस को बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए। मुझे लगता है अगर आज वापस ये 3370 के नीचे जाता है तो वहाँ पे वापस एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है, तो 3370 का स्टॉप लॉस उनको यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि उस स्टॉप लॉस से फिलहाल तो होल्ड कीजिए, पर थोड़ा भी बाउंस मिलता है तो वहाँ पे बेच के जाए, क्योंकि इस काउंटर में मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है। नीचे में मुझे लगता है 31,000 के आसपास ये काउंटर जब भी आए और रिट्रेस हो रहा है तभी इस काउंटर में री एंट्री कर सकते हैं। दूसरा इंडिगो में मुझे लगता है कि अभी बने रह सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक डेली इंट्राडे बेसिस पे एक मोमेंटम है। जैसे ही ये आज का डेज हाई तोड़ता है तो मुझे लगता है कि 1410 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे बनाया जा सकता है, नीचे में 1360 के आसपास का एक स्टेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है इंटरग्लोब एविएशन में। अगले सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। सिद्धार्थ मानसिंह की तरफ से सवाल आया है ट्विटर पर, दो सवाल है इनके, 8K माइल्स और यस बैंक। 8K माइल्स 20 शेयर लिए हैं इन्होंने, 82 के भाव पर इन्होंने ये शेयर लिया हुआ है, मुनाफा है इनको यहाँ पर स्टॉक में हल्का सा। और यस बैंक के शेयर्स हैं इनके पास 25 शेयर्स हैं, ये इन्होंने 88 के लेवल्स पर लिया है और यहाँ पर भी इनको मुनाफा ही हो रहा है। विकास, दोनों स्टॉक पर बने रहें और स्टॉप लॉस भी इन्हें रिकमेंड करिए क्योंकि ट्रेडिंग का ही नजरिया लग रहा है इनका। जी पूजा, इनका ट्रेडिंग का है तो मुझे लगता है कि 8K माइल में एक बार बुक करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अपसाइड में एक अगर 100 और 250 DMA का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इस काउंटर में 1991 के आसपास देखा गया, तो उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग वो देखने मिलती तो वहाँ पर एग्जिट करके जाने की राय रहेगी। और इस बैंक में मुझे लगता है कि अगर इनका बाइंग नीचे का है और ये ट्रेडिंग के पर्पज़ देख रहे हैं तो मेरे राय से यहाँ पर एग्जिट करके जाना चाहिए। अगर उनको दूसरे कोई बैंक में जाना है तो मैं फेडरल बैंक यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि उस काउंटर में अच्छे खासे सपोर्ट लेवल है, वहाँ से वो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे अगर ट्रेड करें तो बेटर रहेगा कि रादर कि एस बैंक। एस बैंक में मुझे लगता है कि वापस ये 90 के नीचे जाएगा तो ये नीचे 85-82 के लेवल्स तक जा फिसल सकता है, ऊपर में 96-95 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो अगर ये वेट करते आज के दिन में और उस लेवल देखने मिलते तो एक बार वहाँ पर बुक करके जाना चाहिए। तो येस बैंक पे ध्यान रखिए, जैसे 90 के नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे उसके बाद 85 और 82 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो सिद्धार्थ जी, आपके लिए राय यही है, विकास ये कह रहे हैं कि आप येस बैंक से एग्जिट कर जाइए अगर आपको बैंकिंग स्पेस में रहना ही है, कोई प्राइवेट बैंक अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही है तो फेडरल बैंक एक स्टॉक है जो कि बेहतर विकल्प हो सकता है। चलिए, ट्विटर पर ही हमारे एक और दर्शक हैं सिद्धांत यादव, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ट्वीट करके अपना सवाल भेजा है। तीन स्टॉक्स हैं उनके विकास, इनके पास एक तो पिरामल एंटरप्राइजेस, दूसरा स्टॉक है आइडिया का और तीसरा स्टॉक है सीमेंस का। इनके आप चार्ट देखिए, मैं तब तक आपको लेवल बताता हूँ किन लेवल्स पे इन्होंने एंट्री करी है। इनके पास 400 शेयर हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के, एंट्री लेवल है 2065 का। आइडिया के इनके पास 28,000 शेयर हैं, बड़ी क्वांटिटी है, 12.70 रुपये की खरीद का भाव है। और सीमेंस में 1291 रुपये ये खरीद का भाव है और अच्छे खासा यहाँ पे भी लॉट क्वांटिटी है इनके पास 550 शेयरों की। तो तीनों स्टॉक्स पे अपनी राय बताइए। देखो, पिरामल हेल्थ केयर में मुझे लगता है कि पीएल में एक डाउन साइड कम्प्लीट हो चुका है और सोल्ड से काउंटर निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रही है। ऊपर मैं ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि एक थोड़ा बाउंस बैक आने के बाद वापस ये काउंटर में भी प्रेशर देखने मिलेगा, तो मुझे लगता है ऊपर में 2040 एक इमीडिएट टारगेट यहाँ पे रख सकता है, 2100 एक प्रीवियस स्टॉप जो है वहाँ पे ये काउंटर जाके रुक सकता है, तो वह जैसे ही वो लेवल आती है तो वहाँ पे एक बार बुक कीजिए। नीचे में 1940 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते। दूसरा रहेगा आइडिया, आइडिया में भी अभी बने रह सकते, एक नीचे में ही है, थोड़ा एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे, तो मुझे लगता है कि ऊपर में 1290 और 13 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आइडिया में देखने मिल सकते। नीचे में 11.30 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें लगा के इसको होल्ड कर सकते। और तीसरा जो है सीमेंस,
सीमेंस में देखो, एक मुझे लगता है कि एक प्रेशर है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेन करेगा। अगर ये जाते जाते 1220 के नीचे जाता है तो ये यहाँ से जो प्रेशर है वो 1190 और 1170 के आसपास जा सकता है। तो सीमेंस मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा कोशिश से थोड़ा भी बाउंस मिलता है तो एक बार एग्जिट करके जाइए। यहाँ पर मुझे लगता है अगर आज के डे में अगर 20 के नीचे जाता है, 1220 के नीचे, तो एग्जिट करने की राय रहेगी। ओके, तो ये राय तीनों ही शेयरों पर, आइडिया, सीमेंस और पिरामिड एंटरप्राइजेस पर आपको दे दी गई है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर आप बने रहिए, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें। इनके तिनके में तारा, जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं, शिखर पान मसाला। तू जो चलेगा हवाओं के संग, उड़ी रे उड़ी कटी रे कटी, उड़ी रे उड़ी। मार्केट की हवा का पता हमसे जानिए, मंजिल खुद आकर गले लग जाएगी। चॉइस ब्रोकिंग। Youngsters are the most impatient lot. I mean, they are what we call as the millennials. Dare to dream, dare to evolve, dare to create new path. Growth and success will be yours. Automation, technology is something which we all, I mean, we need to start the process of reaching that level. ZEE Business presents Dare to Dream Growth Matters Forum. Kochi Round, Shanivar, Raat 8:30 baje. रंग जो दिल चाहे, कोठारी 2x2, रूबिया एंड ड्रेस मटेरियल्स। आओ तो केमिकल फैक्ट्री में अकड़ो वर्कर आया, ई कच्ची लीपन जी वस्तु बनान मुझे शौक है। आयन जा पखान करी मुझे कला के घर जी भेते ते स्थान दना, अने मुके कलाकार बनाई बता। आभार, आपकी वजह से ये सफर शुरू हुआ है। ऐसे करोड़ों लोगों की कोशिशों को मौका देने के लिए थैंक यू। स्ट्रेस में आंखों का स्ट्रेस ज्यादा लाइट से नहीं, सही लाइट से जाता है। अब स्लो मोशन में। एलईडी का फ्लिकर दिखता नहीं पर आंखों पे असर करता है। स्विच टू ओरिएंट आई लव एलईडी विद फ्लिकर कंट्रोल टेक्नोलॉजी। फ्लिकर नहीं तो आंखें सही। ओरिएंट, स्विच टू स्मार्ट। कुछ खुद के लिए जीतते हैं और कुछ खुद से। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला, मिजाज जीत का। अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और काफी सारे सवाल हमें आपके मिल रहे हैं। इस बीच फेसबुक पर भी एक सवाल आया है मयंक जी का, और इनके पास महाराष्ट्र स्कूटर्स के शेयर्स हैं और काफी अच्छे लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं। 500 शेयर 2700 के लेवल्स पर लिया था इन्होंने और करीब करीब 7.5 लाख का मुनाफा इनको हो रहा है। इनकी जो खरीदारी थी उससे काफी ऊपर आ चुका है शेयर, तो शानदार गेन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और अभी ये एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, बने रहना चाह रहे हैं या एग्जिट कर लेंगे, लेकिन विकास अभी क्या उम्मीद करें, और रैली देखने की उम्मीद है महाराष्ट्र स्कूटर में, या जो भी मुनाफा हो रहा है पार्शियली बुक कर लें इस स्टॉक में? जी पूजा, मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 50% यहाँ पे बुक करना चाहिए, क्योंकि एक जो रैली जो आ चुकी थी, अगर आप देखो तो पूरे साल में 3000 से उसने 4700 का एक टॉप किया था, वहाँ पे जाके रुक के अभी 4200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 50% यहाँ पे बुक करना चाहिए, जैसे भी थोड़ा भी रिट्रेस होता है 38-37 के आसपास, तो वहाँ पे वापस 50% की री एंट्री कर सकते, वहाँ से वापस एवरेज कॉस्ट नीचे करके वापस बाइंग कर सकते। तो फिलहाल तो 50% बुक कीजिए, बाकी का बैलेंस ऊपर में रखो। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 4800 ब्रेक करते हैं तो ये ऊपर में जाएगा, बट एक बार इस 1 से 2 महीने में थोड़ा सा रिट्रेस में मिलता है तो वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए, तो 50% आप अपना मुनाफा बुक कर लीजिए, और अगर नीचे में मिलता है तो आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। 4800 ये ऊपर में टारगेट्स हैं शायद, जो कि आपको छोटी अवधि में ही स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, राखी जी ने ट्वीट करके हमें मारुति के ऊपर अपना सवाल भेजा है। विकास, आप मारुति के चार्ट तैयार रखिए। इस स्टॉक में हाल फिलहाल हमने देखा है कि 6000 का जो लेवल है वो भी नीचे की ओर टूट गया था, तो इनके पास 6000 क्वांटिटी है और जो भाव है इनका वो 6100 रुपये का है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
देखिए इनको लॉस होता हुआ दिख रहा है करीब करीब 4 लाख के आसपास का, तो आपकी क्या राय है विकास? पहली बात तो ये 6100 क्या ये छोटी अवधि में आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर ये टूट सकता है, स्ट्रक्चर वीक है, इससे एग्जिट कर जाएं, आपकी क्या राय होगी? देखो संदीप जी, जैसे मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में थोड़ा बहुत बाउंस में इनके लेवल्स तो देखने मिलेंगे, वहाँ पे मेरे राय से यहाँ पे एक बार एग्जिट करके जाना चाहिए। मुझे लगता है इसको अगर बाइंग करना है तो मुझे लगता है 57-54 ये नीचे में एक अच्छे खासी लेवल है मारुति। मुझे लगता है कि आगे जाके थोड़ा यहाँ से और रिट्रेस हो सकता है, थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो जैसे अगर वीकली चार्ट पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो मुझे लगता है कि ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा 61-40 तक आ सकता है एक शॉर्ट बाउंस में, तो यहाँ पे जाके एग्जिट कीजिए। अभी फिलहाल तो होल्ड कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में मुझे लगता है वापस 6100 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो वहां पे एग्जिट किया। नीचे अगर 5960 के नीचे अगर यहां से टूटता है तो मुझे लगता है वो 58 और नीचे में 5600 के आसपास का एक फॉल देखने मिल सकता है। तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर वीक है, बट एक इंट्राडे बाउंस बैक में एक बार एग्जिट करने की राय रहेगी। ठीक है, तो मारुति सुजुकी जैसे ही कोई आपको रैली दिखती है आप एग्जिट कर लीजिए इस शेयर से, ये राय आपको इस वक्त मारुति पर। लेकिन चलिए नतीजों के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट दिन है आज, और दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस आज अपने नतीजे घोषित करेगी, और क्या उम्मीद है इस नतीजों से ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए। जी पूजा, तो नतीजों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इंफोसिस जो है उसके मिले जुले नतीजे रह सकते हैं। अगर आप डॉलर आय की बात करें तो उसमें करीब 2.25% की बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ तिमाहियों से जो डील मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का, और हाल फिलहाल उन्होंने एक स्टेटर एनवी नामक एक कंपनी का अधिग्रहण भी किया था जिससे उसकी आय को सहारा मिलता दिखेगा। पर मार्जिन्स और प्रॉफिट के फ्रंट पे आप देखेंगे तो उसमें आपको गिरावट नजर आएगी। मार्जिन्स फ्रंट पे करीब 2.25% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, 20.1% की कामकाजी मुनाफे की मार्जिन आ सकती है, क्योंकि रुपया जो है वो करीब 1.5% मजबूत हुआ है, और साथ साथ जो वेतन खर्च है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और वीजा कॉस्ट ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है यूएस बेस्ड जो यूएस से काफी ज्यादा अपना कारोबार लाती है आईटी कंपनियां उनके लिए। वहीं अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो उसमें करीब 8.5% का डिप आपको देखने को मिल सकता है, 3,722 करोड़ का मुनाफा कंपनी इस तिमाही में रिपोर्ट कर सकती है, और साथ साथ बीएफएसआई जो सेक्टर है कंपनी का वो जो पर्टिकुलर वर्टिकल है उसमें कैसी ग्रोथ रहती है और आईटी पर कितनी कंपनियां कैसा खर्च करती हैं उसके आउटलुक पर आपको अपनी नजर बनाकर रखनी चाहिए। कुशल, इनफैक्ट टीसीएस के नंबर हमने ऑलरेडी देखे हैं, टीसीएस के नंबर मोर और लेस फ्लैट रहे थे, जितना अनुमान था उसके आसपास है, उसके थोड़े नीचे देखने को मिले थे। हालांकि इंफोसिस को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी जो नंबर्स आप हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक डॉलर आई अच्छी ग्रो करेगी, आय उससे कम बढ़ेगी और मुनाफा गिरता हुआ दिखेगा, तो क्या टीसीएस के मुकाबले इंफोसिस के नंबर्स में ज़्यादा वीकनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, सिमिलर सा ही पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप ये मार्जिन्स को देखें तो उसमें भी लगभग 1-1.25% की गिरावट जो है वो टीसीएस में भी हमने अनुमान किया था, और वैसा ही एग्जैक्टली आया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसा परफॉर्मेंस दिखता है स्टॉक्स में। चलिए ठीक है, इन्फोसिस के नंबर्स का इंतजार है, मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर्स आते हुए दिखेंगे तो कैसा रुझान देखने को मिलता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर हम इंफोसिस की बात कर रहे हैं तो आज इंडसइंड बैंक को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स आने वाले हैं, उसमें किस तरह का रुझान देखने को मिल सकता है। पूजा हमारे साथ मौजूद ही है, पूजा बताइए क्या एक्सपेक्टेड है? इंडसइंड बैंक से तो अच्छे नंबर्स उम्मीद है, और इस बार तो भारत फाइनेंशियल का जो मर्जर हुआ है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस बार के क्वार्टर में भी दिखाई देगा। वैसे पूरी तरह से जो असर रहेगा वो दूसरी तिमाही में दिखेगा, लेकिन इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोविजनिंग के फ्रंट पर क्योंकि एक कॉशियस अप्रोच रहेगा तो सावधानी के तौर पर बैंक ज्यादा प्रोविजनिंग करते हुए नजर आएगी। इस वजह से हम देखेंगे कि साल दर साल जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ रहेगा, और उसी का असर मुनाफे पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक जगह आपको नजर रखनी है प्रोविजनिंग के नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन एसेट क्वालिटी के नंबर्स अच्छे ही रहेंगे, 1.9% ये आंकड़ा उम्मीद हम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके नीचे भी जाता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी इंडसइंड बैंक के लिए। तीसरी बात जहां पर आपको नजर रखनी है वो है आईएलएफएस खाता। पिछली बार इसी अकाउंट के सामने कंपनी को भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, कुछ दिक्कतें यहां पे देखी थी इंडसइंड बैंक ने, लेकिन वो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद रिकवरी भी यहां से काफी अच्छी होगी। तो इसको लेकर क्या बयान आते हैं, इस पर्टिकुलर अकाउंट को लेकर क्या बयान आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के नतीजों में देखना। अगर कुल मिलाकर बात करें तो अच्छे नंबर्स की हम उम्मीद करें इंडसइंड बैंक से। इंडसइंड बैंक से अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, प्रोविजनिंग बढ़ी है तो मुनाफे पे असर जरूर आ सकता है, और इन्फोसिस में खर्चे बढ़ने का असर मार्जिन और मुनाफे पे देखने को मिलेगा। विकास, जल्दी से दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय बताइए, नतीजों से पहले क्या करना है?
देखो संदीप जी, इंडसइंड बैंक में अगर देखो तो कल ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है। रिजल्ट के पहले जो मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। आज भी अगर देखो तो ऊपर में 1570 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहाँ पे जाके रुक रहा है। अगर ये आज क्लियर करता है 1570 के ऊपर रिजल्ट के बेस पे, जैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो ये ऊपर में ये 1590 और 1600 के आसपास के लेवल्स इंडसइंड बैंक में देखने मिल सकते हैं। बट फिलहाल तो अभी एक अपसाइड में रेजिस्टेंस के आसपास रुका हुआ है। अगर इंफोसिस की बात करें तो मुझे लगता है इंफोसिस में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है काउंटर में, अभी भी है 710 के आसपास जाके रुक सकता है। बट ऊपर में अगर ये निकलता है तो मुझे लगता है 748 के आसपास के जो लेवल्स है यहाँ पे इंफोसिस में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये राय आपको इंफोसिस और इंडसइंड बैंक दोनों पर ही दे दी गई है। चलिए फिलहाल स्टॉक सोशल में हमारे साथ इतने ही, इतने सवालों को एड्रेस कर पाएंगे। विकास बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। फिलहाल स्टॉक सोशल में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ हमारी खास पेशकश हमेशा की तरह कमोडिटीज में 11:26 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे पानी की बचत खेती की जरूरत। इस शो में क्या कुछ खास है, एक अच्छा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, और क्या कुछ खास है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।